झारखंड में एनजीटी की रोक के बावजूद भंडारण के नाम पर अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके कारण सरकार के राजस्व में काफी असर पड़ रहा है। आपके स्क्रीन पर तीन तस्वीरें हैं, जिसमें पहली और दूसरी तस्वीर सरायकेला की है, वहीं तीसरी तस्वीर गुमला की है। बालू भंडारण के नाम पर एनजीटी के आदेश के बावजूद बालू का अवैध खेल धड़ल्ले से चल रहा है। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश के अनुसार राज्य भर में बालू के उठाव पर रोक लगा हुआ है, लेकिन भंडारण के नाम पर इस काले खेल को अंजाम लगातार दिया जा रहा है। झारखंड में बालू का खेल जारी है। एनजीटी की रोक और सीएम के आदेश बेअसर हैं। नदियों से धड़ल्ले से न सिर्फ बालू का उठाव हो रहा है, बल्कि तय सीमा से ज्यादा बालू का स्टॉक किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन और खनन विभाग मुख दर्शक बना हुआ है। धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध खनन। एनजीटी के रोक के बावजूद बालू का खनन, बालू भंडारण में भी नियमों की अनदेखी। झारखंड में बालू का खेल धड़ल्ले से जारी है। 15 अक्टूबर तक बालू के खनन पर एनजीटी की रोक है। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी बालू के अवैध उठाव पर रोक के कड़े निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके बालू माफिया बेखौफ है। सरायकेला में धड़ल्ले से बालू का खनन जारी है। डोबो गांव के दो मुहानी नदी घाट से ट्रैक्टर के जरिए बालू का अवैध उठाव जारी है। वहीं ईचागढ़ के बीडी और जरगोड़ी में अवैध तरीके से बालू का भंडारण किया गया है। डीएमओ ने बालू भंडारण के लिए लाइसेंस जारी किया है, लेकिन तय स्टॉक से ज्यादा बालू का भंडारण किया जा रहा है। हरेलाल माथुर जी को करीब 6000 सीएफटी के अनुमान था, उनको चलन दिया गया है। माँ दुर्गा को 20,000 दिया गया है। भूतनाथ महतो जी को 14,000 दिया गया है। शिलाजीत महतो जी को 10,000 के दिया गया है। हेमंत सरिया जी को 00 है। सूर्या इंटरप्राइजेस को 11,000 को 0 है। इनको कोई भी चालान दिया गया है। न सिर्फ सरायकेला बल्कि गुमला में भी बालू का खेल धड़ल्ले से जारी है। इको सेंसिटिव जोन पंथा पंचायत के पतरा टोली में कोयल नदी से बालू का अवैध उठाव जारी है। हालांकि जब इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने अवैध बालू उठाव में लगे 3 ट्रैक्टर के अलावा बालू खनन के इस्तेमाल में औजार को जब्त किया है। आज सवेरे सूचना मिला कि पंथप टूटल पुल के पास से बालू का अवैध परिवहन हो रहा है, तो सूचना मिलते ही हम लोग इधर आए, देख रहे हैं तो वहाँ पर बालू लोड हो रहा है। हम लोग को देखते ही गाली खाली कर दिया, भागने की कोशिश किया, हम लोग पकड़ लिए। झारखंड में ना एनजीटी की रोक का असर है, ना बालू माफिया को सीएम के कड़े निर्देश का डर। नदियों से ढलने से बालू का अवैध खनन भंडारण किया जा रहा है। वही रात के अंधेरे में बालू को रांची समेत दूसरे इलाकों में भेजा जा रहा है। सवाल ये है कि बालू का ये खेल क्या पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव है? सरायकेला से बसंत और बसिया से नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।